So hello friends and welcome to our channel Edu Entertainment. So friends फटाफट से हम शुरू करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, रूट 18, इसका हमको रूट फाइंड करना है। और इसका हम कैसे फाइंड करें, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का सीधा हम एप्लीकेशन देखते हैं। इस 18 को x प्लस वाई में डिवाइड करना है और x जो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब 18 के करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है, ठीक है, क्योंकि 4 into 4 16 होता है। तो हम 18 को 16 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो रूट 16 प्लस वाई ऐसे कैसा ही रहेगा, तो 2 अपॉन 2 इंटू रूट 16, ठीक है। अब रूट 16 क्या है, 4 प्लस 2 अपॉन, अब ये 2 इंटू 4 मतलब 8, 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 4 प्लस, अब 1 बाय 4 क्या होता है, 0.25, तो 4.25 रूट 18 हमारा आ गया। देख रहे कितना ईजी फॉर्मूला है। फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा रूट 79 फाइंड करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब 79 के करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 99 से 81 हमको पता है, तो हम लिख सकते हैं 81 माइनस 2, ठीक है। अब रूट 81 ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, अब प्लस और माइनस है तो यह माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 वैसे ही वैसा रहेगा, 2 इंटू रूट 81, ठीक है। अब रूट 81 क्या होता है, 9 होता है, 99 से 81 है, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 9 जा डायरेक्टली 2 9 जा 18 आ जाएगा, ठीक है, हमारा रूट 81 होता है, तो 2 1 जा ये 9 जा, ठीक है। अब 1 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो 0.10, 9 1 जा 9, 1 फिर से 10, 9 1 जा 9, और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 9 माइनस 0.12 और हमारा हो जाएगा 8.88। तो हमारा रूट 79 का आंसर क्या है, 8.88। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना जल्दी से फाइंड हो रहा है। अब और दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और, रूट 200 फाइंड करना, ठीक है। अब 200 के करीब करीब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 14 इंटू 14 196 होता है, ठीक है। तो 196 माइनस 4 प्लस 4 सॉरी, ठीक है। अब रूट 196 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू रूट 196। अब रूट 196 मतलब 14 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 14 क्या होगा, 28 होगा, 4 1 जा 4 7 जा, ठीक है। 14 प्लस अब 1 को 7 से डिवाइड करना है, 0.1 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28, तो हम बस 0.14 अपने लिए इट्स ओके चलेगा, तो 14.14 ये क्या होगा, रूट 200 का आंसर आ गया। मेरे हाथ देखो कितने फास्ट है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ भी ऐसे ही इतने फास्ट चलेंगे। ये तो अभी मैं बोल के कर रहा हूँ, मन में करेंगे तो और फास्ट होगा। रूट 356 करते हैं, रूट 356। अब 19 और 19 क्या होता है, 361 होता है, ठीक है, हमको पता है। तो मैं लिख सकता हूँ 361 माइनस 5, 361 माइनस 5 करेंगे तो 356 आ जाएगा, तो रूट 361 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू रूट 361, ठीक है। ये 19 है माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 19 क्या होगा, 38 होगा, ठीक है। अब 38 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 को 38 से डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 50 1 जा 38, ये हमारा 4 10, ये हमारा 2 1 12 120, और 38 इंटू 3 करके देख लेते हैं, तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 10 11 114 बराबर, तो 3 से चल जाएगा हमारा काम, और हमारा 2 1 जा ये 4 6 60 आ जाएगा, 38 1 जा 38, ठीक है, इतना इनफ है। तो 19 माइनस 0.131 क्या होगा, 18.869। तो देख सकते हैं कितना फास्ट हमने क्वेश्चन कर लिया। तो स्टूडेंट्स बस इस ट्रिक के बारे में दो चीज जान लेना हमको बहुत जरूरी है। इस ट्रिक से हमको जो आंसर मिलेगा वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 0.1 का या 0.01 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब लगभग 1% का एरर हो सकता है, 1 या 2% का एरर। दूसरी बात कि इस ट्रिक के लिए हमको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अब सभी लगभग सभी बच्चों को 1 से 10 नंबर्स के स्क्वायर पता रहते हैं, मतलब 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 है, 100 का 10 का स्क्वायर 100 है, ये पता रहता है। लगभग 50% बच्चों को 20 तक भी याद होता है, 50 या 30% बच्चों को 20 तक याद होता है, बहुत लोगों को 12 तक भी याद होता है। तो किस अभी अगर किसी को 10 तक याद है तो 2 डिजिट नंबर दे देंगे, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट दे देंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको 20 तक
के नंबर का स्क्वायर पता है, मतलब 400 तक, मतलब 1 से 400 के बीच में कोई सा भी नंबर आपको रूट बोलने का दे देंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही ट्रिक को, ये फॉर्मूले को अप्लाई करके। अब सवाल उठता है कि ये हमको नहीं पूछा, कोई और नंबर इससे बड़ा पूछ लिया, 400 से बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा पूछ लिया, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। उस मेथड से कोई सा भी नंबर आपको दे देंगे, कितना ही बड़ा नंबर दे देंगे, पॉइंट वाला ही नंबर क्यों ना दे दें, आसानी से आपको आप सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर आपको 1 से लेके 100 या 1 से लेके 400 तक का आपको नंबर मिलेगा, अगर आप जितना आपको याद हो सकता है आपको 25 तक याद हो, 30 तक, तो ऐसे इस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल एडु एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।